विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्रतिक्रिया विलंब, प्रतिक्रिया विलंब यानी जो प्रतिक्रिया हमसे होती है उसमें गैप डालनी है। विलंब यानी लेट, तुरंत जो हम प्रतिक्रिया कर डालते ना, किसी ने कुछ कहा प्रतिक्रिया कर डाली, तो उसमें गैप डालना है, विलंब करना है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ ऐसा ज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। डीएस दिखावटी सत्य, दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से
लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले, ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथा जो संकल्प लेना है, वचन आपको जो लेना है वो क्या है,
JDJSSJ का फुल फॉर्म क्या है? जितने दिन जीऊंगा सीखते सीखते जीऊंगा। जितने दिन जीऊंगा सीखते सीखते जीऊंगा, यानी सीखते सीखते हमें आगे बढ़ना है, सीखना बंद नहीं करना, श्रवण बंद नहीं करना है, हमेशा सीखने का भाव रहे। वरना हमारी उम्र हो गई, अभी बच्चे सीखे, हमारा तो सीखने का टाइम ही नहीं है। लोग सीखना बंद कर डालते हैं, तो सीखना बंद नहीं करना है। और हर गलती से सीखूंगा, संकल्प क्या लेना है? हर गलती से सीखूंगा। गलतियां होती है मगर हर गलती से सीखूंगा, और गलती मानने में पीछे नहीं रहूंगा, गलती मानने में पीछे नहीं रहूंगा। यानी गलती हुई है तो हम क्षमा मांग ले, हाँ ये गलती हो गई, क्षमा करें, उसमें हिचकिचाहट न रखे। अहंकार क्या करता है? हिचकिचाहट रखता है, नहीं नहीं सॉरी नहीं बोल सकता। तो गलती हुई है, सीखें भी, आगे न दोहराने का तरीका ढूंढ लें, क्या करने से ये नहीं दोहराया जाएगा, और मानने में भी पहल करें। तो ये चौथा वचन, चौथा संकल्प आपको लेना है। पांचवा संकल्प क्या है? वो है प्रतिक्रिया विलंब। प्रतिक्रिया विलंब यानी जो प्रतिक्रिया हमसे होती है उसमें गैप डालनी है। विलंब यानी लेट, तुरंत जो हम प्रतिक्रिया कर डालते ना, किसी ने कुछ कहा प्रतिक्रिया कर डाली, तो उसमें गैप डालना है, विलंब करना है। अभी ध्यान में आपको बिठा दिया तो पसीना आया तुरंत पोंछ डाला, खुजली हुई तुरंत खुजला लिया, तो जब ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया विलंब। मन कह रहा है ये तुरंत करूं, टांग खोलूं, आंख खोलकर देखूं, प्रतिक्रिया विलंब, थोड़ा रुकते हैं। मन तो कर रहा है जल्दी से खुजला लें, जल्दी से कुछ कर लें, प्रतिक्रिया विलंब। तो फिर उसमें आप कैसे साक्षी होकर देखोगे? खुजलाहट को भी देखोगे, पसीने को भी देखोगे, मन की बड़बड़ भी देखोगे कि देखो मन कैसे जल्दी टांग खोलूं, अरे कब तक चलने वाला है, क्या क्या चल रहा है अंदर। तो प्रतिक्रिया विलंब, सामने वाले ने कुछ कह दिया, मन में आया तुरंत उसका मुंह बंद कर डालूं, प्रतिक्रिया विलंब। जब उम्मीद टूटती है ना, लोग ओवर रिएक्शन करते, ओवर रिएक्शन। ना उम्मीद का चश्मा कैसा है? ना उम्मीदी का चश्मा वो बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, छिपकली को डायनासोर करके दिखाता है, छिपकली डायनासोर लगती है। तो ओवर रिएक्शन होती है, ओवर रिएक्शन। क्रोध में क्या करता है इंसान? ओवर रिएक्शन। खुद को तभी याद दिलाना है, प्रतिक्रिया विलंब। पांचवा नंबर प्रतिक्रिया विलंब, थोड़ा रुकेंगे और फिर करेंगे। छठा जो है वो है प्रतिदावा। प्रतिदावा, अरे प्रतिदावा का अर्थ क्या? दावा हम करते ना, जब हम दावा करते ऐसा ही है, दावा होता है प्रतिदावा। प्रतिदावा क्या है कि घटनाएं जब होती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, हम उस वक्त क्या बोलें। लोगों ने गीता का ज्ञान सुना है जिसमें ये बताया गया है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा। तो लोग सुनते हैं मगर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको जचता ही नहीं मन को। कोई पर्सन आईसीयू में है, आप बोलते अच्छा हुआ क्या, इसमें क्या अच्छा हुआ? लोगों के प्रश्न आते ना, इसमें क्या अच्छा है, ये काम नहीं हुआ, ये क्या अच्छा हुआ, इंटरव्यू में फेल हो गया, ये क्या अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ की जगह पर क्या कहना है? वाह वाह, जो कुछ हुआ वाह वाह, जो कुछ हो रहा है वाह वाह, जो कुछ होगा वाह वाह। क्योंकि मन का अच्छा वो अपने मन मुताबिक जाता है, ऐसा ऐसा होना, लॉटरी लगना उसको अच्छा लगता है, मगर लॉटरी की वजह से पर्सन की
मर्डर हो गई उसको मालूम नहीं है, उससे क्या आगे होने वाला उसको मालूम नहीं है, उसको जो लगता है अच्छा अच्छा मगर एक्चुअली अच्छा ही किस में है। दिव्य योजना के अनुसार वावा, जो कुछ हुआ वावा, जो कुछ हो रहा है वावा, जो कुछ होगा वावा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।